हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग दैट इज़ लाइफ विद किरण राठौर। और आज जैसा कि मैंने आपको बताया था, बच्चों का लास्ट डे है स्कूल में और कल से उनके दिवाली के वेकेशंस हो जाएंगे। तो या मज़े, सुबह थोड़ा सा लेट उठ सकते हैं। एंड प्लस ऋतुराज इज़ ऑल्सो कमिंग टुडे, ही इज़ ऑन द वे, जस्ट पहुँचने ही वाले होंगे शायद हाफ एन आवर में। तो बस मैं लंच बनाने ही जा रही हूँ, मतलब आज मैं जब लंच बनाने का टाइम है तब इस ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। बिकॉज मॉर्निंग में पहले तो मैंने सोचा थोड़ी सी सफाई करूँ, बट मैं नहीं कर पाई। उसके बाद बैक टू बैक कॉल्स और इतने सारे मैसेजेस वगैरह वो सब थे, तो मैंने कहा चलो ये निपटा देते हैं, कुछ एडिटिंग वगैरह थी वो सब। तो अब वो सब फ्री करके नहा के, मैं जस्ट अभी नहा के आई हूँ, नहा धो के, और अब बस मैं अपना लंच बनाऊँगी। तब तक बच्चों का आने का टाइम हो जाएगा, फिर वही बच्चों के साथ मस्ती, उनको खिलाना पिलाना सिलाना, एंड देन बैक टू वर्क। तो आज तो ऋतुराज भी आ रहे हैं, बच्चे बहुत एक्साइटेड हो गए थे। मैंने सुबह उनको बताया कि आज पापा आ रहे हैं, तो दे वेर वेरी हैप्पी। तो बस जल्दी से मैं खाना बना लेती हूँ ताकि देन वी कैन सिट टुगेदर, टॉक लाइक अ फैमिली टुगेदर एंड इन्जॉय टुगेदर किचन में। और आज मैं बना रही हूँ छोले, देन राइस एंड देन चपाती। और छोले जो कि मैंने सुबह ही उबाल के छोड़ दिए थे, पक चुके हैं, बस मैं इसका मसाला बनाती हूँ और फिर ये आ गया हमारा राज। हाय, आते ही बस अपनी गाड़ियों में लग गए महाराज। हैं, आ जा ऊपर, तो आ जा, ये धूल पटाखे फूटे, तो शाम को चला लेना, अभी तो कैसे चलाएगा, धूप है, खाना भी खाना है। हैं, वाह, दो आपका बैग पकड़ा, बहुत मस्त है। हैं, ये आपकी फर्स्ट गाड़ी है, क्योंकि ये दीदी की गाड़ी थी, पियू दीदी की। मम्मा की लाइट टूट गई, ओ ओ, पुरानी हो गई। जल्दी 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 पापा, ऊपर नहीं चढ़ना। पापा पापा, अरे हैं, आने तो दे, ऊपर ही आ रहे हैं पापा। अभी आ रहा हूं 2 मिनट में। आ गए, लेकिन फोन चल रहे हैं इनके अभी तक। क्या, आ जा ऊपर, आ जा आ जाओ, रुक जा, बाहर नहीं जाना, अकेले बाहर नहीं जाना, अकेले बाहर नहीं जाना। कॉल चल रहा है पापा का। पापा का बैग तो लेके आओ, सरप्राइज दिखा रहा है ये। इसकी गाड़ी निकाल दी, खुश हो गया। गेट बंद करो राज, हाँ गेट बंद करो, गेट बंद करो राजो। आ जाओ, आ जाओ जल्दी आओ। गाड़ी पार्क कर, कह रहे हो हेलो जी। हेलो, फोन चल रहा था अभी आपका, हम कितनी देर से वेट कर रहे थे आपका। हे गाइस, गुड इवनिंग। और आज हमारी सुबह से आधे घर में लाइट है, आधे घर में नहीं है, इसे अंदर है लाइट, ये इसमें काजू बादामी है और बाहर नहीं है। और बाहर मैं क्यों जा रही हूँ, आज तुलसा जी की पूजा होती है। सॉरी, आज तुलसा जी की पूजा होती है, पता नहीं क्यों मुझे छींकें आ रही है। तो मैं नीचे जा रही हूँ, तो मम्मी जी बुला रहे हैं। बस अरे ऊपर से तो लग रहा है जैसे कितना अंधेरा हो गया। ये मम्मा मेरे को लाइट्स मस्त लग, इसको ऐसे ऑन कर, क्या ना आ गया। अरे ये ना दी, पहले तो यहाँ गणेश जी के तिलक लगा दो और ये लक्ष्मी जी के चावल चढ़ा दो। मैं इसके अंदर ये क्या डालते हैं? चावल डाल दो सब में, जरा जरा से चावल क्यों डालते हैं? डालते हैं।
कारण तो बेटा हमें भी नहीं पता, भी नहीं पता। कुछ भी डालो, चावल मूंग गेहूं खाली नहीं। हां तो एक दिया तो इधर ही रख दो, हमें तो नहीं पता। मामा वो तो चला ही नहीं, अभी वो ऊपर कर दो। अच्छा आज ही अपन फटाका, नहीं आज क्यों फोड़ेंगे, अभी तो लाए नहीं, कल लाएंगे। अरे इसको बच्चे फटाके लाएंगे, लाएंगे क्या चाहिए, बंदूक चाहिए, लो बंदूक चाहिए। भी कहीं भी कर दी, तेरे को बोला मैंने दो तीन बार, चलो इसको बंदूक दिला ला। और मेरे को पॉप 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 चाहिए, इन दोनों को मिला लो। हाँ रखो रखो, कहाँ कर लिया दिया, यहाँ पे भी रख। अरे पिया वो चुन्नी अंदर ही छोड़ी है, इसमें क्या लेके आ। हाँ एक सेकंड मम्मा, एक बार पकड़ना है, ले जा तू। कपड़ों का ध्यान रखो, आते आते ये काम कर लेंगे हम। तिलक कर दिया, हाँ ये रख दो अंदर। हाँ अंदर नहीं, अंदर तो कहाँ रखोगे, यही रखो इसे, ऐसे घुमाओ अपनी तरफ। हाँ भैया हाँ बस राज ये वाली कैसी है, ये वाली मस्त है, ले ले ये वाली, ठीक है। और पीयू आपको क्या लेना है, दीदी आप ये ले लो, दीदी आप ये ले लो, दीदी अपने आप डिसाइड कर लेगी अपना। मुझे मेरा। तो हम आ गए हैं हमारे पटाखे लेके, मतलब पटाखे बस आज आज के लिए, बंदूक और यही लिया है, ज्यादा नहीं लिया। और कल बहुत सारे पटाखे। हाँ क्या बेटू, हाँ चला 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 चला। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, वेरी गुड। मम्मा साफ कर रही है फैन, आज से हुई है हमारी चालू सफाई। और मैंने सोचा था इतना अच्छा आए हुए तो हेल्प कराएंगे, बट इनका ऑफ नहीं है तो ये अपने ऑफिस गए हैं अभी यहाँ पे जयपुर में, पहले वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे फिर गए। और आज हमने किचन भी रगड़ रगड़ के साफ करी है, वैसे काफी कुछ बच गया किचन में फिर भी, बट मैंने सोचा है कि आज कितना गंदा है फैन, ये किचन और ये वाला एरिया पूरा साफ करूंगी, कैसे फैला रखा है हमने, आज ये एरिया पूरा साफ करूंगी, कल फिर हॉल और बालकनी। हाँ अभी दिवाली वाले दिन बेडरूम होगा, दिवाली वाले दिन बेडरूम तो ऐसे साफ ही, लेकिन प्रॉपरली करना है। दिवाली वाले दिन सीढ़ी पे चढ़ी हुई है, मैं चेयर पे चढ़ा हुआ हूँ, कपड़ा पहुँच के दे। हाँ जैसे चढ़ा था वैसे उतरेगा ना बेटू, पूरा हमारे हॉल पूरा हमने फैला रखा है, लेकिन आज हम इसको प्रॉपर कर, ढंग से बेटा गिर मत जाना। आज हमने मम्मा को धोखे दिए है, मैं वॉश बेसिन की हालत दिखाऊं, कितना गंदा हो रहा है पंखा। और अभी मैं सीधा शूट कर रही हूँ इवनिंग में, और इवनिंग में हम आए हुए हैं अभी पैंटलून्स में बच्चों के लिए कपड़े देने के लिए, और बहुत तो अभी तो बहुत अच्छा कलेक्शन है बच्चों का सीरियसली यहाँ पे। कितने क्यूट है यार। हाँ किसको सवाल आज तो घर की बहुत बुरी हालत है, क्योंकि सुबह से इस रूम इस हॉल की सफाइयों में लगे थे, आधा ही हुआ है, अभी कहीं जाना है हमें तो आधा हम करेंगे आने के बाद। एक बार दिखाओ इसका क्या हाल कर रखा है हमने,
सो दिस इज द रूम, अभी ये हाल है इसका, और आने के बाद की जाएगी सफाई। और ये लड़का और कचरा फैलाने में लगा हुआ है, तो क्या करने में लगे हो? मैं कुछ हेल्प करूं आपकी? ठीक है, चलो मम्मा जल्दी चलो। अरे नहा लिया तू? नहाया ही नहीं था? नहीं नहाया? क्यों नहीं नहाया? पता है जो टी शर्ट है ना, पता है दीदी की फेवरेट टी शर्ट थी, दिखा तो दिखा, एक बार टी शर्ट दिखा। चलो है ना मेरा भी। तो हम लोग निकल चुके हैं अभी, मैं, पीहू और ये पापा। हम तीनों पहले हम जाएंगे एक्चुअली भावना के, उसका आज मतलब जो उसने घर बनाया है उसका मुहूर्त है ऊपर वाले पोर्शन का, तो अभी जाके दिखाऊंगी मैं आपको। लास्ट टाइम भी एक व्लॉग में मैंने दिखाया था, हाँ आप भी बहुत टाइम से नहीं गए हो मौसी के, तो वहाँ जा रहे हैं। देन कोइंसिडेंटली मतलब हमने कुछ भी ऐसे डिसाइड नहीं किया, अभी गाड़ी में बैठने गया था वैसे ही बात कर रहे थे कि यार अपन तो तीनों सेम से चश्मा, अपन तो तीनों सेम सेम पहन के, मतलब ये पिंक पिंक है, ये भी पिंक है और मेरा पर्पल है, मतलब सेम फैमिली है ना, तो कोइंसिडेंटली सेम सेम ही हो गया है सबका। पर्पल मेरा फेवरेट कलर है। हाँ पीयू का पर्पल मतलब बहुत प्यारा डिसेंट कलर लगता है। मैंने जैसे इस कुर्ते को देखा ना, मैंने कल ही लिया था पेंटलून से, वो भी मैं दिखा दूंगी। कल मैंने बोला था कि आपको दिखाऊंगी घर जाके कि हमने क्या क्या खरीदा है, बट मैंने नहीं दिखाया। आज मैं दिखाऊंगी कि पीयू के लिए, मैं भी थोड़ा सा धीरे चलाऊंगी, तो पीयू के लिए क्या लिया है, राज के लिए क्या लिया है, और मैंने तो ये कुर्ता और ये इन्होंने दिलवाया है मुझे जबरदस्ती, मैंने ले ही नहीं ली थी, मैं कहने के लिए जाने दे रहा था। तो आई तो थी बहुत पहले, तब पूरा नहीं बना था, तो अभी हम पहुंच गए भावना के घर पे, बहुत पहले आई थी, बहुत पहले। हेलो जी, अभी करिए स्टार्ट करिए, क्यों मतलब पकड़े एक मिनट फिर रिकॉर्डिंग कर लेना, याद थी बाद में, पहले फोन वो करेगी। मैं बिल्कुल सही टाइम पे आई हूँ। नहीं आप विश्राम का टाइम है, बीच में पूजा के बीच का ब्रेक है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सुन के लगा, आप आपको नहीं लगा ये लगा दे, वो मेरे पे बैठो अरे तो अभी हम पंडित जी की छाया चित्र लेंगे, पंडित जी बोले हमारी छाया चित्र लो। और वीडियो को क्या बोलते हैं, वीडियो को क्या बोलते हैं, वीडियो को क्या बोलते हैं, चल चित्र, हाँ चल चित्र। हाँ आप बैठो, ये यहाँ बैठे ऐसे नहीं ऐसे, हाँ ओम गणपति स्वाहा, ओम रिद्धि स्वाहा, स्वाहा सिद्धि स्वाहा, स्वाहा नमाय स्वाहा, स्वाहा ओम सुवाय स्वाहा, स्वाहा। तो अभी हम लोग भावना के घर से निकल गए हैं, वहाँ पे हवन वगैरह ये सब चीज़ें चल रही थी, तो कुछ काम था मतलब कहीं जाना था, तो हमने कहा चलो वहाँ जाके फिर हम आते हैं वापस। तो अभी हम जिस काम से आए थे वो हमारा काम फिनिश हो गया है, और मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, ये है सत्य साई कॉलेज जहाँ मैं अपने एग्ज़ाम्स देने आती थी ग्रेजुएशन के। ये गलियाँ मुझे बहुत अच्छे से याद है, इन गलियों से जाती थी मैं, पता है आपको, अकेले अकेले इतना दूर आती थी मैं, आज अकेले अकेले क्यों आ जाती, तब मेरी शादी नहीं हुई थी ठीक है ना, इसलिए मैं अकेले अकेले घूमती थी, अब नहीं घूमूंगी मैं, और जब पापा नहीं रहते तब तो मुझे आना ही पड़ता है ना अकेले अकेले। अब हम आए हैं एक रेस्टोरेंट में, पीछे का इंटीरियर आप देख सकते हैं बहुत सुंदर है, एंड ये है 202 ना, 202 ये कौन सी रोड है, सिरसी रोड, सिरसी रोड पे ही है, मतलब सिरसी रोड से खातीपुरा की तरफ जाते हैं तब, बहुत अच्छा है, मतलब प्लांट्स वगैरह बहुत अच्छे अच्छे लगा रखे हैं। तो वहाँ पे हम लंच करने के लिए रुके हैं, बिकॉज ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, और हमने सोचा था टाइम से फ्री हो जाएंगे, बट स्टिल बहुत ज़्यादा लेट हो गए, घर जाके खाना बनाने की, मैं आटा तो लगा के आई थी बट सब्जी वब्जी बनाने का टाइम नहीं है, इसलिए अब हम यहीं लंच कर रहे हैं और फिर जाएंगे। और हम क्या करेंगे लंच में, और लंच में हमने ऑर्डर किया है पनीर टिक्का मसाला, अच्छा पराठा, अच्छा पराठा, गार्लिक ब्रेड, और अभी सोच रहे हैं डेजर्ट में, हाँ
डेजर्ट भी सोचेंगे। तो ये आ गया हमारा खाना, दिस इज़ लच्छा पराठा एंड पनीर एंड गार्लिक ब्रेड हमने खा लिया। कैसा था पीयू? गार्लिक ब्रेड तो अच्छा था, यम्मी था। हाँ दिखाओ, क्या दिखाना चाह रहे हो आप? पीयू की जीभ ब्लूबेरी खा खा के हैं, ब्लूबेरी खा खा के हो गई है ब्लू 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 बस तो हाँ पीयू सही है ये वाले वो भैया देख कौन से दिखा रहे हैं, लेने ये वाले हाँ। अच्छा आराम से ले लो। ओए मम्मा क्या हुआ, कितनी देर में बन रहे हो खाना? बस बन रहा है। ये क्या कर रहा है आपने? आज मैं बना रही स्पेशल चूरमा। चूरमा ऐसे बना के फिर इसको घी में फ्राई करते हैं, फिर दिखाऊं। इसको करते घी में ऐसे फ्राई, ये कैसा चूरमा है? बहुत टेस्टी बनता है ये। फिर बनाई हमने थोड़ी सी खीर, ये बन रही है दाल, और बनाएंगे रोटी, और बनाएंगे रोटी, रोटी। यस मम्मा ऐसे में। और यहाँ पे मम्मी जी अभी राज की नज़र उतार रहे हैं, बिकॉज सुबह से ही राज की तबीयत थोड़ी सी ख़राब लग रही थी, मतलब ज़ुकाम वगैरह इसको हो गया है, तो इसे स्वेटर भी पहनाई है उसको। और फिर होता है ना बच्चों को कुछ भी होता है तो सीधा अपने को यही लगता है कि भाई अभी टाइम भी ऐसा, मतलब दिवाली के आसपास बोलते हैं कि बच्चों को नज़र वगैरह है, फिर ऐसे कुछ होता है, तो इसलिए मम्मी जी उसकी नज़र उतार। तो आज का ये व्लॉग 2-3 दिनों का कंपाइल्ड व्लॉग है, तो आई होप आप सब ने इन्जॉय किया होगा कि हमने दिवाली से पहले क्या क्या चीज़ें की, इन्जॉय किया। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।